आपको ये पीछे किला दिख रहा है, राजाओं महाराजाओं ने देखो कितनी अच्छी लोकेशन पे बनाया होता है। इसकी लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ, आप जरा एक बार जरा लोकेशन दिखाना। अब आ जाओ मित्र, ये देखिए खजूर, इसको खा के देखता हूँ मैं कैसा होता है। कड़वा, गले में फंसने वाला, तो कच्चा खाने लायक नहीं होता है। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और साथ ही घंटी पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने सारे आंवले के पेड़ हैं, ये देखिए ये देखिए, आंवले ही आंवले, इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी पर कितने सारे आंवले के पेड़ हैं। आओ एक और पौधा दिखाता हूँ आपको मैं, खजूर का पौधा पास से आ जाइए। ये देखो खजूर का पौधा, अभी खजूर कच्चे हैं, यहाँ थोड़ा जूम करके दिखाना। एक मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाता हूँ, अभी वैसे तोड़ना नहीं चाहिए कच्चा, मगर पास से दिखाता हूँ। ये देखिए खजूर, इसको खा के देखता हूँ मैं कैसा होता है। कड़वा, गले में फंसने वाला, तो कच्चा खाने लायक नहीं होता है, पक्के अच्छा लगता है। एक और पेड़ दिखाता हूँ आपको बेल का, वो देखिए बेल लगे हुए हैं, ये देखिए बेल का पेड़। बहुत कुछ है हमारे हिमाचल में, बहुत कुछ है देखने लायक खाने लायक। तो ये देख लीजिए बेल का पेड़, शायद कैमरे में दिखे ना, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। आपको ये पीछे किला दिख रहा है, राजाओं महाराजाओं ने देखो कितनी अच्छी लोकेशन पे बनाया होता है। इसकी लोकेशन भी आपको दिखाता हूँ, आप जरा एक बार जरा लोकेशन दिखाना। अब आ जाओ मित्र, तो आपको मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा इस किले के पास में, तो चलिए चलते हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ, बचपन में हम इस खजूर का क्या करते थे, इसका गुद्देदार जो है निकालते थे, गुद्दे वाला हिस्सा, ये देखिए वाह, ये हम बचपन में सिर्फ पास से दिखाना, ये देखिए इसको बचपन में हम खाते थे। तो अभी खा के दिखाता हूँ मैं आपको, वाह, तो ये बचपन में हम ऐसे खाते थे और ये बहुत टेस्टी होता है। बहुत दिनों बाद याद आई इसलिए मैंने सोचा आपको करके दिखाता हूँ। तो ये है खजूर गांव वाला, और इस तरीके से निकाल के इसको खाते हैं। वो देखो बच्चे कैसे देख रहे हैं, देख रहे हो आप, जूम करके दिखाना, बच्चे सोच रहे हैं कि पापा अकेला खा रहा है और हम इन दे रहा है, और लड़का देखो कैसे मुंह छुपा रहा है। ये लो ये लड़की के लिए, खा के देखो जरा कैसा है, सिर्फ इतना सा खा जाएगा। और मैं लड़के के लिए तोड़ता हूँ तब तक, यहाँ खा के दिखा। और कैसा है? अच्छा है। ओ मिल गया, एक और मिल गया लड़के के लिए, वाह। अब ये लड़का खा के देखेगा कहाँ तक, ये इसको इतना सा खा लेना बस, इतना तक। हाँ हाँ इतना तक बेटे, खा के दिखाओ जरा कैसा है, सच बोलना। और कैसा लगा बच्चे? अच्छा, अच्छा लगा बिटिया रानी? हाँ अच्छा लगा। तो एडवेंचर करने का मजा आ रहा है आपको? यस। हाँ।
यस गुड। अब हम चलेंगे जो है खंडर जो है वो राजाओं महाराजाओं के टाइम का, अब वहाँ चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि कैसा बना रखा है। ओके ओके खा लिया। हाँ। आगे तो कड़वा होगा इसके आगे जो खाओगे तो ना। अब एक और तोड़ते हैं ये कैमरामैन के लिए हमारे, और इसकी रिकॉर्डिंग मैं करूँगा। मिल गया कैमरामैन के लिए भी, वाह। तो आइए कैमरामैन जी। जी कैमरामैन जी आप भी बताइए खा कैसा टेस्ट है इसका, और सच बताना। ये सही में बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर आप हिमाचल में आते हो तो आप भी ऐसी चीज़ों को खा सकते हो। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और नेचुरल भी है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। अच्छा, सीधे पेड़ से निकाल के हमने खाया है। ठीक है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और ये अमन है अब आगे का हीरो, और इसकी रिकॉर्डिंग करूँगा मैं। हम जा रहे हैं अब उस किले की तरफ। अब हम आपको उस किले की तरफ लेके जाएंगे जो कि राजा संसार चंद के समय का बना हुआ है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी परतें कितनी मोटी मोटी होती हैं। अच्छा, अभी तो सिर्फ एक ईंट से घर की पूरी दीवार चीन देते हैं, इनकी मोटाई में कम से कम 8-8 ईंटें लगाई होती हैं। अच्छा, चलिए हम आपको बताते हैं, आ जाइए। चलिए तो देख सकते हैं आपकी रास्ता कैसा है, खतरनाक सा रास्ता है। आप ऊपर आ जाइए और आप देख सकते हैं कि यहाँ चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है और ये ऐसे ही खंडर पड़ा हुआ है। तो चलिए हम आगे से आपको दिखाते हैं। एडवेंचर ऐसे होता बच्चों, तुम्हारा मैं यहाँ एडवेंचर करा रहा हूँ, सोचो बेयर ग्रिल्स की तरह और के चाहिए। देखो कितना खतरनाक रास्ते हैं और बच्चे भी जा रहे हैं इस रास्ते से, और यहाँ सही मैं बताऊँगा सांप वगैरह बहुत होते हैं, वो भी बड़े बड़े। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रास्ते भी इतने खतरनाक हैं, और मैं अपने छोटे भाइयों और बहनों को साथ में लेके आया हूँ, पर अंदर मैं इनको साथ में लेके जाऊँगा तो अंदर सांपों का डर है, अंदर बड़े बड़े सांप भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है, तो उस तरफ से अंदर पत्थर पुत्थर भी गिरे हुए हैं, तो उससे उनके नीचे सांप वगैरह होते हैं, और अगर इनको बाहर छोड़ूं तो बाहर शेर और चीतों का डर होता है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या करना है अंदर से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी दीवारें बहुत मोटी मोटी होती हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे और कितने ऊंचे ऊंचे किले बनाए होते हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम खंडर के गेट के पास पहुंच चुके हैं, और आप जरा नज़दीक आइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी दीवारें कितनी मोटी मोटी होती हैं, देखिए ये तो पत्थर से बनी हुई है, कच्ची ईंटों से नहीं बनी हुई है, तो देख सकते हैं आप कितनी मोटी दीवार है इसकी, मोटी, और देखो कितनी ऊंची दीवारें हैं इनकी, आप देख सकते हो। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा, जो हमारे घर के पास किला था जिसमें हमने बताया था, जिसका आपको हमने पूरा व्यू दिया था, वैसे ही सेम लोकेशन है ये, यहाँ से भी दुश्मनों पर नजर रखने के लिए बनाया गया था ये किला। यहाँ पे संसार चंद जी, राज संसार चंद जी खुद नहीं रहते थे, यहाँ पे उनके सिपाही वगैरह रहते थे, तो ये वैसा ही किला है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो चलिए हम नई लोकेशन पे देखते हैं कुछ। अब मैं कैमरामैन जी को बोलना चाहूँगा कि आप इस किले के चारों तरफ का नज़ारा आपको दिखाएं, क्योंकि मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं इनको लेके साथ में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत ख़राब हैं, तो मैं इनको लेके थोड़ा सा बाहर रहूँगा और कैमरामैन जी आपको सब कुछ बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी एक किला दिखाया, वैसे मैं आपको एक और किला दिखाऊंगा, लेकिन वो छोटा किला है। ये आपको पहाड़ियों के ऊपर इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ से आप दुश्मनों के ऊपर नज़र रख सकते हैं, मतलब जो राजा महाराजा थे उनके सैनिक यहाँ से नज़र रखते थे अपने दुश्मनों के ऊपर। यहाँ से आपको चारों तरफ का व्यू भी दिखाएंगे, यहाँ से पहले आपको वो वाला किला दिखाएंगे, आप व्यू जूम करके दिखा दीजिए।
अब चारों तरफ का व्यू भी बताएं, और ये बिल्कुल दूसरे किले के सामने बना हुआ है, देख सकते हैं आप, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। चलिए अब आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देते हैं कि ये छोटा किला कैसा दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला किला जो है वो हाफ सर्कल में बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये बिल्कुल मतलब प्लस्तर जैसा कर दिया गया है इसमें, इससे हम साफ पता लगा सकते हैं कि ये हाफ सर्कल में ही बना हुआ है। ये उस तरफ के जो दुश्मन थे उसमें नज़र रखने के लिए रखा हुआ था, और इसमें जो आपको छेद भी दिख रहे हैं यहाँ से, वो अपने बंदूकें वगैरह निकालने के लिए या फिर जो भाले भूले वगैरह रखे होते थे उन्होंने दुश्मन पर हमला करने के लिए, उसके लिए बनाए गए हैं। और ये जितना आपको दिख रहा है उतना ही उससे थोड़ा सा कम नीचे धरती में भी जमा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं वो स्केयर वाला था, वो पूरा चारों तरफ से बंद था, और ये आधा सर्कल है, आधे सर्कल में बना हुआ है, ये उस तरफ के दुश्मनों पे नज़र रखने के लिए बनाया हुआ था।